नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस पे। इसमें हम बात करेंगे कौन से बैंकिंग स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। तो भारत के जो चार प्रमुख बैंक है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन चारों के बीच हम फंडामेंटली कंपैरिजन करेंगे कौन सा स्टॉक जो हमारे लिए चीप वैल्यू पे उपलब्ध है। साथ ही साथ हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये देखेंगे कौन सा स्टॉक अभी इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट है और किसका टेक्निकल चार्ट हमें लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये सबसे पहले हम जो है फंडामेंटल एनालिसिस को करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस से ये हमें पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक जो है फंडामेंटली बेटर परफॉर्म करेगा, मतलब फंडामेंटली कंपनी बेटर है, लेकिन चार्ट पर जो वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। देखिए, जब तक चार्ट पे हमारा शेयर जो है फंडामेंटल के अनुसार रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, चार्ट पे हमें उतना ग्रोथ नहीं दे रहा है, तो फिर हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, हमें कुछ रिटर्न प्राप्त होने वाला नहीं है। देखिए, सबसे पहले मार्केट कैप में देखते हैं कौन सी कंपनी बड़ी है। तो मार्केट कैप जो है HDFC बैंक का है 8,30,000 करोड़। वहीं जो दूसरा बैंक है हमारा, दूसरा बैंक ICICI बैंक है। ICICI बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,48,000 करोड़। तो देख लीजिए 4,48,000 करोड़ तो इसका मार्केट कैप हो गया, जो कि HDFC बैंक से कम है। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक का मार्केट कैप कितना है, देखिए 2,25,000 करोड़। एक्सिस बैंक तो HDFC बैंक से बहुत ही नीचे है, मतलब HDFC बैंक जो है एक्सिस बैंक से लगभग 4 times है, 4 गुनी बड़ी है, और ICICI बैंक एक्सिस बैंक से 2 गुनी बड़ी है। अब इसके बाद चलते हैं हम चौथे बैंक, जो कोटक बैंक है। देखिए, कोटक बैंक का जो मार्केट कैप है कितना है, कोटक बैंक का मार्केट कैप है 3,53,000 करोड़। देखिए, कोटक बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 3,53,000 करोड़। तो सबसे बड़ी जो बैंक हुआ वो HDFC बैंक हुआ, जिसका मार्केट कैप जो है 8 लाख से भी अधिक है। वहीं ICICI बैंक 4 लाख से अधिक है, और तीसरे नंबर पे कोटक बैंक जिसका 3 लाख से अधिक है, और जो एक्सिस बैंक है उसका 2 लाख से अधिक है। तो समझिए इतना बड़ा डिफरेंस है। HDFC बैंक काफ़ी बड़ी बैंक है इन सब बैंक की तुलना में मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, उसमें हमने पहले ये देखा मार्केट कैप के अनुसार कौन सा बैंक जो है सबसे बड़ा है। अब उसके बाद देख लेते हैं हम जो अलग पैरामीटर्स है, अलग अलग पैरामीटर्स पे, कि पी पर कौन सा, मतलब बैंक जो हमें सस्ते प्राइस पर मिल रहा है। प्राइस मतलब यहाँ पर जो पी मतलब होता है, हर एक साल 1 रुपया कमाती है, तो हर 1 रुपया के लिए यहाँ पर इन्वेस्टर कितना रुपया अभी पे करने के लिए तैयार है, मतलब कंपनी के 1 रुपया के जो एनुअल प्रॉफिट है उसके लिए अभी इन्वेस्टर कितना रुपया देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर पी देख लीजिए 35.4 का है। एक इंडस्ट्री के अलग अलग स्टॉक को हम पी से कंपैरिजन कर सकते हैं, तो यहाँ 35.4 हो गया। मतलब अगर यहाँ पर शेयर प्राइस में ग्रोथ नहीं मिलता है तो कुल 35 साल में आपको कंपनी जो 1-1 रुपया हर साल अर्न करके दे सकती है, तो मतलब आपका जो कैपिटल होगा वो 35 ईयर्स में आपको वापस मिलेगा। एक्सिस बैंक, इसका पी है 31.4, जबकि कोटक बैंक का था 35, यहाँ पर है 31.4 पी। मतलब अगर ये बैंक यहाँ से परफॉर्म नहीं करता है, ग्रोथ नहीं होता है इसके टेक्निकल चार्ट पर, इसके शेयर में, तो 31 ईयर में आपको 1-1 रुपया करके ये बैंक अर्निंग करके दे सकता है, कमा के दे सकता है। अब डिविडेंड पे किया तो ठीक है, नहीं पे किया तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद है ICICI बैंक। देखिए, ICICI बैंक, इसका जो पी है 24 का है, तो इस बैंक का जो पी है 24 का है, जबकि एक्सिस बैंक का 31, कोटक बैंक का 34। तो ICICI बैंक जो है काफ़ी सस्ते पी पर उपलब्ध है कोटक बैंक और एक्सिस बैंक के कंपैरिजन में। देखिए, यहाँ पर ICICI बैंक मात्र 24 का पी है, जबकि कोटक बैंक का 34 था, एक्सिस बैंक का 31 था। तो समझ आइए इतना सस्ते पी पे हमें ICICI बैंक का भी मिल रहा है। उसके बाद आते हैं HDFC बैंक। देखिए, HDFC बैंक का जो पी है 26 का है, 26 का मात्र पी है, तो कोटक बैंक से ये भी काफ़ी सस्ते पी में मिल रहा है। तो HDFC बैंक भी हमें मात्र 26 के पी में मिल रहा है, तो ये भी अभी काफ़ी सस्ते प्राइस पे एक तरह से मिल रहा है पी के अनुसार, क्योंकि ये जो ICICI बैंक है इसी से मात्र पी अधिक है, नहीं तो एक्सिस और कोटक से पी कम है। अब उसके बाद अन्य पैरामीटर्स देखते हैं। ये तो पी हो गया, आप अन्य पैरामीटर में जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं, कि रिटर्न जो है इक्विटी
पर कितना है। इक्विटी पर रिटर्न मतलब जो इक्विटी है कंपनी के पास, जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो इक्विटी में ही करते हैं, तो टोटल जो शेयर होल्डर का इक्विटी फंड है उस पर कितना इनकम जनरेट कर रहा है, कितना परसेंट का इनकम जनरेट कर रहा है, 14.9% का। अब देखिए वहाँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो रिटर्न दे रहा है मतलब जो नेट इनकम है एनुअली, वो जो कैपिटल यूज करता है कंपनी, जो कैपिटल यूज कर रहा है उस पर कितना परसेंट रिटर्न है, 6.65%। ये सब बेसिक जो टर्म है ये आपको जानना पड़ेगा, तभी आप किसी भी शेयर का एनालिसिस कर सकते हैं खुद से, या दो के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं। एक्सिस बैंक, तो इसका देख लीजिए रिटर्न ऑन इक्विटी 8.33 है, ये कोटक बैंक से काफ़ी कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी काफ़ी कम है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कैपिटल एम्प्लॉय करने के बाद भी ये काफ़ी कम रिटर्न जनरेट कर रहा है। लो आरओई और लो आरओसी का मतलब यही होता है। उसके बाद एक्सिस बैंक का देख लीजिए रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 15%, वहाँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 6.04%, तो ये थोड़ा सा बेहतर है। मतलब ये जो अगर हम कोटक बैंक से कंपेयर करें तो कोटक बैंक का 14.9 था, ये उससे ज़्यादा बेटर है रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में, 15 है तो लगभग अप्रॉक्स सेम ही है। अब उसके बाद चलते हैं एच डी एफ सी बैंक, देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 18%, तो ये सारे बैंकों से काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही साथ सिर्फ ICICI बैंक से इसका पी जो है ज़्यादा था, पी भी काफ़ी सस्ता है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी काफ़ी बेहतरीन है सारे बैंकों से, तो दोनों चीज़ इसका काफ़ी बेहतरीन है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन दोस्तों सिर्फ इस फंडामेंटल पैरामीटर से नहीं होगा, टेक्निकल चार्ट पे कौन ज़्यादा शेयर होल्डर को रिटर्न दे रहा है, मतलब शेयर प्राइस कौन सा बढ़ रहा है, शेयर प्राइस तो डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करता है, तो HDFC बैंक के शेयर का डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए शेयर प्राइस में भी ग्रोथ आपको देखने मिल सकता है, कोटक बैंक में भी ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल सकता है। तो ये दो बैंक हैं जिसमें ज़्यादा ग्रोथ आपको टेक्निकल चार्ट पे देखने मिलेगा शेयर के प्राइस में। उसके बाद जो कंपैरिजन है, आप कंपैरिजन यहाँ पर डेट में नहीं कर सकते हैं, ये जो डेट है बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में आप, क्योंकि इसका काम ही है लोन लेना और फिर लोन की दूसरे को देना, तब बीच का जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट का, जैसे आपसे FD पे कितना पे लिया 5% पे, और इधर लोन दिया कितना पे 7%, तो ये बीच का जो 2% है वो इंटरेस्ट मार्जिन हो गया, तो वो अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। देखिए बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में वो कंपैरिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितना अर्निंग होता है, यहाँ पर डेट आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में जो हम कंपेयर करते हैं, ये देखिए ये पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को कंपेयर कर सकते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है मिनिमम 8% मेंटेन करना होता है बैंक को। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, जो टोटल कैपिटल है कंपनी का एसर्ट है माइनस जो कैपिटल एट रिस्क है, तो ये जो बच गया उसका जो परसेंटेज है, जो बचा हुआ भाग है उसका परसेंटेज मिनिमम 8% मेंटेन करना होता है बैंक को, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है यहाँ पर 18% है। ये जितना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेहतर होता है उतना ही हम उस बैंक को सेफ मानते हैं, लेकिन ये भी याद रखिए ज़्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है एक लिमिट से ज़्यादा, तो फिर कंपनी जो अपने कैपिटल को सही से यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका काम ही है बैंक का लोन देना और बीच का इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो अर्न करना। अब देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका कितना है 4.2%, तो ये दो चीज़ कंपेयर करते हैं पहले फिर इसके नीचे चलेंगे। इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 18.8%, वहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका कितना है 4.2%। अब देखिए ICICI बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है 19.5%, इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है HDFC बैंक से ज़्यादा बेटर है, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इस बैंक का वो कम है, उसका 4 point something था, इसका 3.67% है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब बीच का जो अर्निंग होता है, जो कंपनी आपसे लोन लेती है और किसी दूसरे को लोन देती है, तो बीच का जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो इस बैंक का कम है, तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन से जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो इस बैंक का कम हो सकता है। यहाँ पर ये परसेंटेज के अनुसार, अगर इसके पास कैपिटल बड़ी है तो हो सकता है कि अर्निंग बहुत ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ जो परसेंटेज है वो कम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो गैप है वो कम है ICICI बैंक का HDFC बैंक से। उसके बाद यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका कितना है 3.59% नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इसका ICICI बैंक से भी कम है। फिर इसका देख लीजिए 4.58%, कोटक बैंक का भी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है काफ़ी ज़्यादा है 4.58%। वहाँ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है 24.9%, बहुत ही ज़्यादा है, इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 24
0.9 है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा है, जबकि HDFC बैंक का देख लीजिए 4.2 था नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इससे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन पे कोटक बैंक काम कर रहा है। वहीं ICICI बैंक इसका देख सकते 3.67 था, ये भी 19 मादर था। एक्सिस बैंक इसका देखिए ये 19 था लेकिन इसका कितना हो गया 24। तो कोटक बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी ज़्यादा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको बताया कि बहुत ज़्यादा हो जाए मतलब कंपनी अच्छे से अपने कैपिटल को भी यूज नहीं कर रही है, क्योंकि इसका काम ही लोन देना और बीच का जो इंटरेस्ट मार्जिन है उसको अर्न करना। 8% से कम नहीं होना चाहिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, क्योंकि उतना मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अब उसके बाद एक और पैरामीटर होता है जो बैंक के क्रेडिबिलिटी को दिखाता है कि कासा रेशियो कितना है। अब हम कंपेयर करते हैं कासा रेशियो को। देखिए कासा रेशियो क्या होता है, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट है उसको टोटल डिपॉजिट से डिवाइड कर दीजिए, वो कासा रेशियो हो गया। उसी को परसेंटेज में कैलकुलेट कर लीजिए तो कासा रेशियो परसेंटेज में हो गया आपका। देखिए यहाँ कासा रेशियो जो है मतलब जो टोटल डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट का 46% जो है वो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में। देखिए ये कासा रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करेंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट बैंक को नहीं देना पड़ता है जो डिपॉजिट होगा, सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट होगा उस पर मात्र 4% का इंटरेस्ट देगा। तो ये बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट पे बैंक को डिपॉजिट उपलब्ध होता है और इसलिए हम ये रेशियो को काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं। साथ ही साथ जो कासा रेशियो ये दिखाता है कि बैंक का क्रेडिबिलिटी कितना है, क्योंकि लोग करंट सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में रुपया तभी रखेंगे जो बैंक काफ़ी अच्छे होंगे, तभी ज़्यादा से ज़्यादा रुपया रखेंगे। तो ये बैंक के क्रेडिबिलिटी को दिखाता है। तो देखिए इसका 46 है, देखते कौन सा बैंक का कासा रेशियो बेहतर है। अब उसके बाद आता है हमारा ICICI बैंक। ICICI बैंक का देखिए कासा रेशियो कितना है, 41.8% ICICI बैंक का, HDFC बैंक का 46.1%। HDFC बैंक ICICI बैंक से क्या है, बेहतर है। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आता है, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक का देखिए कितना है, इसका कासा रेशियो है 42%, मतलब ICICI बैंक से 1% अधिक है, HDFC बैंक से 4% कम है, क्योंकि 46 है HDFC बैंक का। उसके बाद कोटक बैंक का देखते हैं कासा रेशियो कितना है, इसका कासा रेशियो काफ़ी ज़बरदस्त है 58.9%। तो इसका कासा रेशियो सबसे बेहतर है, मतलब कोटक बैंक देख सकते हैं कई सारे पैरामीटर पर काफ़ी बेहतरीन है। इसका इंटरेस्ट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा था और इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी काफ़ी बेहतरीन था सबसे ज़्यादा। अब उसके बाद जो और एक बेहतरीन पैरामीटर आता है, ये तो बैंक का क्रेडिबिलिटी हो गया कि कोटक बैंक सबसे बेहतर है और HDFC बैंक उसके बाद, उसके बाद नेट NPA और ग्रॉस NPA। नेट NPA मतलब जो एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा है बैंक के लिए, जो एसेट बैंक के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको हम नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। तो देखिए इसके लिए नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कोटक बैंक के लिए कितना है, 0.5%, जो कि काफ़ी कम है। अब वो तो हम दूसरे बैंक से कंपेयर करके भी जानेंगे किसका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम है, जितना कम हो उतना बेहतर है। देखिए हर पैरामीटर अलग अलग चीज़ है, इसका नेट NPA कितना है, 0.74%, इसका काफ़ी ज़्यादा है कोटक बैंक के कंपेयर में। उसके बाद ICICI बैंक, इसका देखिए नेट NPA कितना है, 0.63%, इसका भी कोटक बैंक से ज़्यादा है जबकि एक्सिस बैंक से कम है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट HDFC बैंक, इसका देखते हैं नेट NPA कितना है, 0.40%, इसका सबसे कम है। तो 0.5 कोटक बैंक का और 0.40% नेट NPA HDFC बैंक का, तो इसका जो नेट NPA है सबसे कम है। तो ये हो गया कि नेट NPA में HDFC बैंक काफ़ी गुना बेहतर है। अब उसके बाद दूसरा भी देख सकते हैं ग्रॉस NPA। तो देखिए ग्रॉस NPA इसका है 1.32%, किसका, HDFC बैंक का 1.32%। वहीं देखिए ICICI बैंक का, इसका है ग्रॉस NPA 4.38%। तो ICICI बैंक का ग्रॉस NPA काफ़ी ज़्यादा है, 4.38% ग्रॉस NPA। अब उसके बाद एक्सिस बैंक का देख लीजिए 3.44%, तो HDFC बैंक काफ़ी कम था इन सब से। उसके बाद कोटक बैंक मात्र 2.26%, तो ये HDFC बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा है और सब बैंक से
कम है ग्रॉस एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए, इसी ग्रॉस एनपीए में जब प्रोविजंस को माइनस कर देते हैं तो हमें आता है नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए में प्रोविजन को माइनस कर देंगे तो ये आता है नेट एनपीए। तो हर पैरामीटर पे कोटक बैंक मिला जुला करके अच्छा था, एचडीएफसी बैंक काफ़ी बेहतर था। अब देखिए एक और पैरामीटर है उस पर कंपेरिजन कर लेते हैं। देखिए सारे पैरामीटर पे हमने क्या देखा, एचडीएफसी बैंक लेस पी पे मिल रहा था और उसका बैंक का जो सारे पैरामीटर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अब एक बच गया हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू। तो देखिए कंपनी की एक रुपया कोटक बैंक के बुक वैल्यू के लिए हम यहाँ पर इन्वेस्टर जो है 5.27 रुपया पे करने के लिए तैयार है। उसके बाद अगला है हमारा एक्सिस बैंक, ये इसके एक रुपया के वैल्यू के लिए, बुक वैल्यू के लिए जो इन्वेस्टर है वो 2.62 रुपये देने के लिए तैयार है, किसके, एक्सिस बैंक। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के एक रुपया के बुक वैल्यू के लिए इन्वेस्टर जो है 3.65 रुपये देने के लिए तैयार है। उसके बाद अगला जो हमारा है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में एक रुपया बुक वैल्यू के लिए 4.71 रुपये देने के लिए इन्वेस्टर तैयार है। तो सबसे बेहतर बुक वैल्यू, मतलब कम बुक वैल्यू होना चाहिए यहाँ पर हमारे लिए। बेहतर क्या है, हम बुक वैल्यू एक रुपया बुक वैल्यू के लिए जितना कम रुपया पे करना पड़े उतना वो स्टॉक हमारे लिए सस्ता है। अब देखिए 4.71 रुपये एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का कितना है 3.65 रुपये, एक्सिस बैंक का कितना है 2.62 रुपये और कोटक बैंक इसका कितना है 5.27 रुपये। तो सबसे सस्ता बुक वैल्यू किसका है, एक्सिस बैंक का, और महंगा सबसे कोटक बैंक का। और एचडीएफसी बैंक सब चीज़ में अच्छा खासा है, हर चीज़, मतलब किसी कोई भी चीज़ उसका वैसा नहीं है जिसके कारण हम उस बैंक को चूज नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। अब बात आती है टेक्निकल एनालिसिस का, क्योंकि अगर फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, एक्सिस बैंक जो सबसे सस्ते बुक वैल्यू था, लेकिन एक्सिस बैंक को हमने हर सारे पैरामीटर पे देखा तो कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक हमें बेहतर आया। अब यहाँ टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं, क्योंकि अगर हमें चार्ट पे शेयर प्राइस में मूवमेंटअप देखने में नहीं मिलता है तो हमें हमारे हाथ में जो आएगा रिटर्न, ग्रोथ का रिटर्न, वो नहीं दिखेगा। मतलब सिर्फ कंपनी के परफॉर्म करने से नहीं होगा, उसका शेयर प्राइस में भी ग्रोथ होना चाहिए। जस्ट शेयर प्राइस में ज़्यादा ग्रोथ होगा उसमें हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक का। तो ये यहाँ पर देख लीजिए एचडीएफसी बैंक जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिया है वो कितना है। तो यहाँ पर हम इसके टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। तो यहाँ टेक्निकल चार्ट पर हमने चार्ट को लिया है पीछे कई सालों से, मतलब लगभग 20 सालों का चार्ट लेते हैं। तो 20 साल में यहाँ देख लीजिए 2000 ईस्वी से लगभग 20 साल में एचडीएफसी बैंक ने कितना रिटर्न दिया है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लगभग जो 8700% का रिटर्न दिया है एचडीएफसी बैंक ने। यहाँ पर 2001 में जो गिरावट है वहाँ से हम लेते हैं, 2001-2 से आप लीजिए, तो यहाँ पर टोटल जो रिटर्न प्राप्त हुआ है वो 8700% का रिटर्न प्राप्त हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। उसके बाद हम चार्ट की बात करें तो चार्ट पर जो है कैसा दिख रहा है, चार्ट सॉलिड है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर चार्ट को भी हम देख लेते हैं। तो चार्ट पे हम यहाँ पर जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम करने के बाद हम अच्छे से इसके चार्ट को रीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम चार्ट को पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए एक हाई बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर देखिए हाई बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया। देख सकते हैं कभी भी पीछे का जो लो है उसको ब्रेक नहीं कर रहा। देखिए ये कभी भी जो पीछे का लो है, यहाँ पे भी लो ब्रेक नहीं किया पीछे का, यहाँ पे भी लो बनाया, पीछे का लो ब्रेक नहीं किया। तो कभी भी ये अपने पीछे का जो लो है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर देखिए यहाँ पर ये हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर देखिए यहाँ पर लो बनाया, फिर ये हाई बनाया। कभी भी देख सकते हैं अपने पिछले प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, बस इस पैंडेमिक में आया, इस पैंडेमिक में ये काफ़ी वीक हो गया एचडीएफसी बैंक, अपने पिछले दो लो को ब्रेक कर दिया फटाफट। मतलब यहाँ जो स्टॉक आपको मिल रहा था वो देख सकते हैं लगभग 2017 के प्राइस पर मिल रहा था। यहाँ पर जो 2020 में ये बैंक क्रैश हुआ तो 2017 के प्राइस पर आपको ये स्टॉक मिल रहा था, और यहाँ से फिर एक नया हाई बनाता है वो देख सकते हैं 1650 रुपीज़ का, तो 1650 रुपये का, और फिर से यहाँ पर लो बनाया। अब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर मूव करता है या ये स्टॉक यहीं पर कंसोलिडेट होता है या गिरावट होता है ये देखना है। तो टेक्निकल चार्ट पर एचडीएफसी बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मात्र 2020 के पैंडमिक में जो गिरावट हुआ वहीं पर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, नहीं तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन था।
मतलब अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे आपको कभी भी एग्जिट करने का मौका नहीं दिया, कभी ऐसा सोचने का भी मौका नहीं दिया कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एग्जिट हो। अब देखिए हम ICICI बैंक देखते हैं कि जो टेक्निकल चार्ट है वो कैसा है, और टेक्निकल चार्ट पे हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कितना रिटर्न दिया है ये लॉन्ग टर्म में। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2001 या 2002 के गिरावट में कभी भी आप इसमें इन्वेस्ट किए रहते तो अभी तक में ये लगभग अपने हाई पर जो गया था वहाँ पर आपको ये रिटर्न दे रहा होता 5477% का, तो जो कि अच्छा खासा रिटर्न है, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आपको यहाँ पर देता। उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पर बात करते हैं, चार्ट इसका सॉलिड है या वीक है, तो यहाँ पर हम चार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो मतलब समझिए ये चार्ट उतना सॉलिड नहीं है। तो हम यहाँ से कंसिडर करेंगे 2001 से पहले भी, 2001 के शुरुआत में भी गिरावट हुआ था। यहाँ देखिए हाई बनाया, फिर यहाँ लो बनाया, फिर देखिए यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर देखिए यहाँ पर हाई बनाया, और यहाँ पर जो लो बनाया 2009 में अपने सारे प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। मतलब 2009 में जो गिरावट हुआ था वहाँ पर शेयर आपको 2020 के भाव पे मिल रहा था, मतलब अपने बहुत ही लो पर ये स्टॉक आ चुका था। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2009 में ये शेयर प्राइस लगभग 250 रुपये से ब्रेक होकर के ये लगभग आ चुका था 55 रुपीज पर, और फिर यहाँ से एक हाई बनाता है, फिर यहाँ लो बनाता है, फिर ये हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर ये हाई बनाया, फिर देख सकते हैं यहाँ पर लो। यहाँ पर देखिए 2016 में भी ये शेयर प्राइस काफ़ी ब्रेक हुआ था, मतलब काफ़ी स्टॉक वोलेटाइल है ICICI बैंक। यहाँ फिर से गिरावट होता है, फिर से ये देखते हैं लो बना, फिर ये हाई बनाया, कि ये हाई हमने थोड़ा सा गलत ड्रॉ कर दिया क्योंकि ये हाई इसको ब्रेक नहीं किया था, तो ये हाई नहीं होगा, यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चलेंगे। तो ये हाई बनाया, फिर ये 2020 के पैंडमिक का गिरावट है, जो गिरावट देखते हैं पीछे के जो लो था यहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन ये स्टॉक टेक्निकल चार्ट पे देख पा रहे हैं कि बहुत ही बहुत वीक है। जो ICICI बैंक है ये स्टॉक यहाँ पर आपको टेक्निकल चार्ट पे काफ़ी वीक दिख रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आने वाले समय में ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। यहाँ पर देखते हैं कई बार ये अपने प्रीवियस लो के पास आया, कई बार प्रीवियस लो को ब्रेक भी किया, और ऐसे भी चार्ट पे ये काफ़ी वोलेटाइल देखते हैं, काफ़ी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक रहा है। जबकि HDFC बैंक इसके कंपैरिजन में काफ़ी सॉलिड स्टॉक था, रेगुलर ग्रोथ दिया स्टॉक ने। अब हम एक्सिस बैंक को देखते हैं। ICICI बैंक का तो टेक्निकल चार्ट उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, HDFC बैंक का काफ़ी अच्छा था। अब हम एक्सिस बैंक का देखते हैं, एक्सिस बैंक सबसे पहले रिटर्न कितना दिया है लॉन्ग टर्म में ये देख लेते हैं। और ICICI बैंक जो है HDFC बैंक से रिटर्न में भी काफ़ी कम था। अब देखिए यहाँ पर एक्सिस बैंक 2006 से ही चार्ट उपलब्ध है हमारे पास, उसके पहले का चार्ट भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन 2006 से यहाँ पर देखते हैं तो अभी तक में जो हाई बनाया था वहाँ पर रिटर्न दिया था लगभग 940% का, और वहीं पर अभी जो है मात्र वो 870% का 2006 से। और उधर पीछे जाएंगे तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम किया हो पीछे, लेकिन यहाँ पर चार्ट देखेंगे, देखिए चार्ट आपको दिखाते हैं तो काफ़ी वीक है इसका चार्ट, जो टेक्निकल चार्ट है इसका काफ़ी वीक। टेक्निकल चार्ट पर देखिए यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं तो टेक्निकल चार्ट यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर अपना लो बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ लो बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ लो बनाया, फिर ये हाई, ये नहीं, इसको हाई नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये अपने प्रीवियस हाई को इसको ब्रेक करके जब तक हाई नहीं बनाता तो हम इसको हाई नहीं बोलेंगे। तो ये हाई बनाया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर लो बनाता है, फिर ये इसको हाई नहीं बोलेंगे, तो मतलब ये डायरेक्ट यहाँ नीचे आया देखते हैं काफ़ी। और यहाँ जो शेयर प्राइस था 280 रुपीज़ तक आया था, तो जो प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग यहाँ पर जो है आपको 2014 से जो प्राइस था यहाँ पर आ गया था 2014, यहाँ पर जो शेयर प्राइस था 280 वो लगभग 2014 का जो प्राइस था वहाँ पे आ चुका था। तो इतना सस्ता ये स्टॉक आपको उपलब्ध था इस पैंडेमिक में। अब यहाँ से ये स्टॉक जा रहा है तो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक भी नहीं किया, देख सकते हैं एक्सिस बैंक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है, मतलब ये टेक्निकल चार्ट पे ये स्टॉक काफ़ी वीक है क्योंकि अपने प्रीवियस हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया। जबकि HDFC बैंक हमारा प्रीवियस हाई को ब्रेक करके काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। ICICI बैंक भी अपने प्रीवियस हाई को देख सकते हैं, जो प्रीवियस ऑल टाइम का हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा है। HDFC बैंक देखते हैं प्रीवियस हाई यहीं पर था इसका, इसको ब्रेक करके काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं कोटक बैंक, तो एक्सिस बैंक ICICI बैंक से भी टेक्निकल चार्ट पे काफ़ी वीक था। अब बात करते हैं कोटक बैंक का। अब देखिए कोटक बैंक में चलते हैं यहाँ पर, तो देखिए टोटल रिटर्न देख लीजिए, तो टोटल रिटर्न 94,000% का दिया है लगभग 2003 से। इसका भी चार्ट अभी 2001 तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन
यहाँ पर जो 2004 है, 2003 से ये टेक्निकल चार्ट पे 94,000% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी सॉलिड और काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। और साथ ही साथ अब हम चार्ट को देख लेते हैं, इसका चार्ट कैसा है। ये यहाँ पर हम चार्ट को ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर चार्ट से ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो देखिए ये चार्ट यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर वीकनेस आया, फिर ये चार्ट देखते हैं यहाँ पर गया हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाने के बाद यहाँ पर लो बनाया, फिर एक तरह से ये लो नहीं है, ये एक तरह से समझिए चलता जा रहा है चार्ट। मतलब यहाँ पर गिरावट आया 2007 में 7 से लेकर के 9 तक काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद ये स्टॉक देखते हैं लगातार अपना नया हाई बना, यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट, फिर ये हाई, और यहाँ पर जो लो बनाया वो पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। फिर ये अपना देख सकते 2020 के पैंडेमिक से जो पहले ऑल टाइम हाई बनाया था उसको ब्रेक करके स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक चार्ट पे काफ़ी सॉलिड है, ये तो HDFC बैंक से भी सॉलिड स्टॉक है। देखते हैं यहाँ से जो ग्रोथ ये दिखाया 2009 से, तो ये लगातार स्टॉक नया हाई बनाते चला गया, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2020 में अपना ऑल टाइम हाई बनाया, वहाँ से स्टॉक क्रैश हुआ, लेकिन अपने फिर से अपने ऑल टाइम हाई को ऊपर ये क्रॉस कर दिया। अभी ऑल टाइम मतलब पिछला जो ये ऑल टाइम का हाई था 2020 के पैंडेमिक से पहले, वहीं पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अपना हाई बना चुका है लगभग 2000 से एभव का। तो कोटक बैंक रिटर्न देने में मामले में भी काफ़ी बेहतरीन है, साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पे भी काफ़ी सॉलिड है। तो ये स्टॉक है, वो स्टॉक है जिसमें आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी पोटेंशियल है इस स्टॉक में, जो कि आने वाले समय में आपको एक जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक में किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसमें निकल के आया कि कोटक बैंक हमारा सबसे सॉलिड है टेक्निकल चार्ट के मामले में, फंडामेंटल में भी, और HDFC बैंक भी इसके बाद उतना ही बेहतर है। तो कोटक और HDFC बैंक दोनों काफ़ी बेहतरीन है, तो हम HDFC बैंक और कोटक बैंक दोनों में हम भी इन्वेस्ट करेंगे। जो मैं आपको बोलता हूँ मैं भी करता हूँ, भले मैं थोड़ा इन्वेस्ट करें लेकिन करेंगे इन्वेस्ट, दोनों बैंक में ज़रूर करेंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की ये दोनों स्टॉक देख सकते हैं काफ़ी सॉलिड रिटर्न दिया है चार्ट पे। और जो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है आगे भी परफॉर्म करने वाले हैं जब तक हमारी इकोनॉमी रहेगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक्स का ये बैकबोन है। जब तक बैंक परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक हमारा बैंकिंग सिस्टम परफॉर्म नहीं कर सकता। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में।